कश्मीर ट्रिप सफल हो गया ये गंडोला आके, मतलब मजा ही आ गया। गंडोला इज सो ब्यूटीफुल। हाय गाइस, मैं हूँ अभी गुलमर्ग में एंड अभी जा रहे हैं हम गंडोला राइड के लिए। तो बहुत दिन से हम ट्राई कर रहे थे कि हमें टिकट मिल जाए, बट इट वाज नॉट हैपनिंग। तो गाइस, एक बहुत बड़ा टिप है आप लोगों के लिए कि अगर आपको गंडोला राइड करना है ना, तो उसके लिए ऑनलाइन ही बुक कर लो बहुत दिन पहले, लाइक 2-3 हफ्ते पहले ही ट्राई करना कि आप गंडोला राइड की टिकट बुक कर लियो, वरना आपको नहीं मिलेगा। मुझे लगा था कि हम ऑफलाइन ही कर लेंगे, हमें पता नहीं था कि ऐसे कुछ ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम होता है, हमें ऑनलाइन करना चाहिए। तो हम बस ऐसे ही आ गए थे कि हम काउंटर पे करेंगे, बट आप काउंटर पे यहाँ पे टिकट नहीं ले सकते हो, यू हैव टू बाय प्रायर टू योर ट्रिप। हमने टिकट के लिए एक्चुअली बहुत मशक्कत करके जुगाड़ लगाया है। हमारे कैब वाले भैया ने एक बंदे का नाम दिया था, तो गाइज वो कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वर्स्ट केस पे नहीं मिल रहा है गंडोला का टिकट ना, तो बंदे को कॉल करके आप गंडोला का टिकट निकाल सकते हो। तो गाइज, अगर आप गंडोला राइड कंसिडर कर रहे हो तो टिकट बहुत ही टाइमली बुक कर लेना। वर्स्ट केस में कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो देख लेना। तो दैट्स अ बिग हेड्स अप आई वांटेड टू गिव यू, बिकॉज हमने बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ ये गंडोला टिकट के लिए। 2 दिन पहले मेरे तो यार है, तो मैं पहले क्यों करूं? 2 दिन पहले तो मिल जा रहा है, मैं पहले क्यों? हाँ, 2 दिन पहले ही हो गया, लेट मी, गुड क्वेश्चन। तो 2 दिन पहले मिल जाएगा तो आप पहले से क्यों करें? जनरली गंडोला का प्राइस 700-800 फर्स्ट फेज का होता है एंड सेकेंड फेज का 1700-1800 होता है। बट अगर आप इस बंदे को कॉल करके, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है ना, उसको कॉल करके अगर आप बात करोगे 2 दिन पहले, तो आपको 2500 का मिलेगा, समझ रहे हो, एकदम डबल। तो पैसे बचा लेना और टिकट पहले बुक कर लेना, ठीक है? एक बिग टिप है आप लोगों के लिए। हमारे पैसे तो गए काम से, बट ठीक है, हमें चाहिए था, हमें करना था, तो या। एंड नाउ अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, दिख रहा है, बहुत सारा खाना खा लेना है क्योंकि आज ही हमें वापस जाना है बैंगलोर। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं सारी चीज़ें दिखाने जा रही हूँ अबाउट द गंडोला राइड एंड कैसा है गंडोला में सिचुएशन। सो लेट मी टेल यू, अगर आप सोच रहे हो कौन सा मंथ है ये, तो दिस इज़ मई मंथ। तो आप देखने जा रहे हो गंडोला गुलमर्ग इन मे। ओके, तो ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा एंड अब हम निकल रहे हैं गंडोला के लिए। सबसे बेस्ट क्या है ना, जहाँ हम रुके हैं वहाँ से 750 मीटर्स पे ही गंडोला है, तो हमें ज़्यादा यू नो टैक्सी या फिर घोड़े करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट्स वेरी नियर। एंड नॉट ओनली दैट, इस जगह इतनी खूबसूरत है ना गाइस, लाइक इट्स काइंड ऑफ 5-स्टार प्रॉपर्टी आई बिलीव, मतलब क्योंकि हॉस्पिटैलिटी तो पूरा 5-स्टार की है। मैं एक बार चेक करके एनीवेज कन्फर्म कर दूँगी, बट इट्स ग्रेट, इट्स होटल हीवन। मैं इसके डिटेल्स अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो इफ़ यू आर कंसिडरिंग कि कोई बेस्ट अच्छा होटल गुलमर्ग में कौन सा होगा, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू दिस वन, लाइक एक्चुअली में बहुत अच्छा है गाइस, लाइक सब चीज़ें बहुत अच्छी है। आपको यहाँ पे पूल एरिया, सारी चीज़ें मिल जाएगी, खेलने की जगह, एंड इंटीरियर तो क्या ही बताऊँ, आप देख पा रहे हो, इट्स सो गुड, आई लव इट। हम यहाँ 2 दिन रुके थे एक्चुअली। हमारा ये लेने का मोटिव ये था कि मेरा बर्थडे था कल, तो हमें अच्छे से बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था, तो वी जस्ट डोंट वॉन्ट कि ऐसे ही कोई भी रैंडम होटल चले जाए। तो हमने बहुत रिसर्च करने के बाद ये होटल हीवन फाइनलाइज किया था। तो गाइज, आप लोग आराम से कंसिडर कर सकते हो, ये वाला होटल काफ़ी अच्छा है, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। थोड़ा प्राइसी है बिकॉज अगेन इस काइंड ऑफ 5-स्टार प्रॉपर्टी, तो थोड़ा प्राइसी होगा। एक दिन का मुझे पड़ा था 14,000 रुपीज़, तो आप वो देख लेना आप अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो बाकी सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यू आर नॉट गोना रिग्रेट दिस, सो डू कंसिडर। एंड इट्स नॉट अ ऐड, मेरे को भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई हूँ मैं इस जगह से, तो इसलिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ आप लोग को रिकमेंड कर दूँ, इट्स नॉट अ ऐड। एंड या अभी चल रहे हैं गंडोला के लिए। बाकी धूप हो रखी है बट स्टिल ठंडी बहुत है, तो अगर आप सोच रहे हो कि मई में कैसा वेदर होगा, तो नॉर्मली इट्स लाइक एक स्वेटर पहन लो चल जाएगा, बट सिंस हम लोग अभी गंडोला जा रहे हैं तो हमें ज़रूरत है थोड़ा ज़्यादा पैक होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्नो है। अभी आपको फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों में स्नो मिलेगा। इस बार रिसेंटली कुछ दिन पहले ही स्नो फॉल हुआ है, तो हमें लकीली मई में भी दोनों फेज में स्नो मिल रहा है। तो येस, वी आर एक्साइटेड। आई एम गोना शो यू गाइज एवरी थिंग, जस्ट बी देयर एंड आई जस्ट शो यू कि मैंने क्या आउटफिट डाला है। कुछ ज़्यादा ही पैक हुई मैं फॉर द गंडोला राइड। अभी मेरे को थोड़ी थोड़ी सी यू नो लग रहा है कि हाँ गर्म सा, बट इट्स इज़ रिक्वायर्ड, पैक होना इज़ रिक्वायर्ड, वहाँ बहुत सर्दी है गंडोला में। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है। मेरा फ़ोन का स्टोरेज चला गया है, मैं माई के फ़ोन से का दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने मई के टाइम में मैं दिखा रही हूँ कि मैंने क्या लेयर किया है। तो अंदर मैंने थर्मल डाला है, पैरों में नहीं डाला, इस जस्ट अंदर डाला है, बिकॉज मैंने ये पहना था तो दिख जाता, दैट्स लाइक अनदर थिंग। बट अंदर एक इनर है, उसके बाद एक स्वेटर है एंड
ये टोपी तो देख ही रहे हो। उसके बाद ये वाला भी लेयर करियो क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी है, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ है, तो यू हैव टू लेयर इट गाइज। जैसे मैंने बताया कि गंडोला फेज़ वन फेज़ टू दोनों में आपको बर्फ मिल जाएगी, तो आपको अच्छे से पैक होके जाना है, इसलिए मैंने ये टोपी भी लगा ली है। बाकी हमारे पास ग्लव्स भी है एंड रेस्ट ऑफ द चीज़ें आपको गंडोला जाके पता चलेगा। चलो बेसिकली गंडोला के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, तो अगर आपका स्लॉट 9 बजे का है तो लोग 7 बजे से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। आई वुड रेकमेंड यू गाइस कि जितनी जल्दी हो पाए तो उतनी जल्दी आना। हम 1 घंटे पहले आए थे बट स्टिल हम 1 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, तो दैट्स गोना बी क्वाइट हेक्टिक फॉर यू। तो बेटर है माइंड सेट कर लो कि आपको वहाँ पे खड़ा रहना है, अच्छा खासा खा पी के आना, बिकॉज इट्स गोना टेक अ ह्यूज टोल ऑन यू। ओके, तो ये है फेज़ वन जहाँ पे ज़्यादा स्नो नहीं है, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर स्नो है। एंड वी आर ग्लैड कि हमने फेज़ टू का लिया था, अब हमें वहाँ जाना है, तो वी आर सॉर्टेड। बट फेज़ वन में मई में आपको स्नो नहीं मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन था कि अभी स्नो हुआ है तो फेज़ वन में भी स्नो होगा, बट आप देख सकते हो ये बहुत ही कम स्नो है, फेज़ वन में बिल्कुल भी स्नो नहीं है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मई में आपको फेज़ वन में स्नो नहीं मिलेगा, इज जस्ट इन द फेज़ टू, ये जो ऊपर देख रहे हो ना दैट्स द फेज़ टू, वहाँ पे जाके स्नो मिलेगा। तो फेज़ वन से उतर के अगेन आपको फेज़ टू के लिए यहाँ पे केबल कार के लिए लाइन लगा के आपको जाना है। तो चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ गए गंडोला फेज़ टू, एंड इसको देखने के बाद, यहाँ पे आने के बाद वो जो लंबी लंबी क्यूब में आए हैं, लंबा वेट करके आए हैं, सारी चीज़ें वर्थ लगने लगी, बिकॉज लाइक गाइस जस्ट लुक एट द प्लेस, सो अमेजिंग। ऑनेस्टली बताओ तो दिस इज़ द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग प्लेस अभी तक का कश्मीर में, जितना भी हम घूमे हैं लाइक सोनमर्ग, पहलगाम, एवरीवेयर, दिस इज़ वेर इट्स गोना एंड। आई एम रियली ग्लैड कि हमने लास्ट में गुलमर्ग गंडोला का प्लान किया था, क्योंकि इतना सुंदर व्यू लेके कौन नहीं जाना चाहेगा, इट वॉज़ अमेजिंग। वो जो एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं, लाइक डबल पैसे लिए हैं वो टिकट के लिए, सारी चीज़ें वर्थ लगने लगी। गाइस किसी की बातों पर मत जाओ, क्या है नहीं है मत सुनो, ये प्यारी सी चीज़, ये खूबसूरत सी चीज़ आप बस जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। मजा आ रहा है बट हमारे पास टाइम और होना चाहिए था, है ना? 1 hour is not, 1 hour नहीं, 45 minutes is not good enough for this. या आराम 5 hours ना, हाँ एक्चुअली मैं 3 hours तो तुम फोटो वीडियो में लगा देती, 2 hours में एंजॉय करता था। हाँ तो एक्चुअली मैं फेस टू इज वर्थ इट, इट्स मोर देन वर्थ इट, 2500 इज वर्थ। हमारे पास LOC जाने का भी टाइम नहीं है, बिकॉज हमें निकलना है, आज ही फ्लाइट है। बाकी दिस प्लेस इज रियली वर्थ इट, माउंटेन रेंज लग रहा है कि माउंटेन्स का पूरा रिंग है कवर किया है ना, काफी अच्छा है गाइस। सो फेज़ टू ही कंसिडर करना अगर आप लोग मई के टाइम में, मई जून जुलाई अगर आ रहे हो तो फेज़ टू, बस फेज़ टू। वैसे एनीवेज फेज़ टू लोगे तो फेज़ वन के लिए आपको टिकट चाहिए ही चाहिए, बट या बेस्ट प्लान था हमारा कि लास्ट में हम गंडोला आएंगे, बिकॉज दिस इज़ अमेजिंग।
कश्मीर ट्रिप सफल हो गया ये गंडोला आके, मतलब मजा ही आ गया। फेज टू, यस ऑफ कोर्स फेज टू में ही बर्फ है, फेज वन में कुछ नहीं मिलेगा, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अब चल रहे हैं हम, श्रीनगर फ्लाइट लेना है हमें। विल अपडेट यू गाइस, गंडोला इज सो ब्यूटीफुल। हाँ जी मैडम, कितना मजा आ रहा है, कैसा एक्सपीरियंस? क्या देख रही हो? क्या देख रही हो? लोगों को भी दिखाते हैं क्या देख रही हो? सनग्लास तो भूलना
भूलना मत बिल्कुल भी नहीं। एंड काफी पैक होके आना, मैं जो इतना पैक होके आई थी ना स्टार्टिंग में, मेरे को आपको आप लोग को बोलने में लग रहा था मैंने लगाया था। आई न्यू दैट कि सनस्क्रीन लगाना इज इम्पोर्टेंट। ऊपर हद सन का आपका रिफ्लेक्शन आएगा, सनस्क्रीन तो भूलना मत, दैट्स अनदर टिप गाइस। एंड थर्ड, नीचे की गर्मी के अकॉर्डिंग ऊपर को बिल्कुल भी मत तौलना। ऊपर इतनी ज्यादा ठंड लगी, आई एम ग्लैड कि मैंने इतना कुछ लेयर डाला हुआ था। आई टोल्ड यू गाइज ना कि मैंने इतना कुछ पहना है, इट्स जस्ट बिकॉज फेस टू बहुत ठंडी है और पूरा हाथ वाथ में हमने ग्लव्स फिर भी मैनेज किया नहीं पहनने का, क्योंकि हमें फोटोज एंड वीडियोज लेने थे, बट स्टिल ग्लव्स का भी जरूरत है अगर आप स्नो के साथ खेलना चाहते हो। 30-40 मिनट्स रहे ना, अगर हमें 3-4 घंटे रहने रहते ग्लव्स पहनना पड़ता, हम बस 30-40 मिनट्स रहे तो बाय द टाइम हम कोल्ड फील कर रहे थे, वापस आ गए। हाँ, तो ग्लव्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट गाइस, लाइक ठीक है दो तीन चीज एकदम ध्यान रखना, एक सनग्लास, एक सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन तो पूरे ट्रिप में आप लगाओ, चाहे आपका धूप हो नहीं हो, क्योंकि आप बहुत ही ऊपर हो, हाई एल्टीट्यूड पे हो, तो आपको आपकी स्किन की बैंड बच जाएगी अगर आप सनस्क्रीन नहीं लाओगे। ये सोचोगे ना कि धूप नहीं है चलो ठीक है सनस्क्रीन स्किप कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, डोंट डू दैट। थर्ड है कि ये ड्रेस, बहुत ज्यादा कपड़े पहन के आना, ठीक है। हाँ, जूते की बात है, हमने ना मैनेज कर लिया ये जूते पे, हमने बूट नहीं लिया था, एंड आई वी मैनेज्ड इट बिकॉज क्योंकि एक तो हमें मतलब 30-40 मिनट्स ही रहने थे, दूसरा मतलब हमारे गाइड ने बोला जरूरत नहीं है। वहाँ पे इम्पोर्टेंट था सोनमंग में, क्योंकि वहाँ पे कीचड़ वगैरह भी थे, राइट। हाँ, तो वहाँ इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे बिकॉज इट वॉज प्योर व्हाइट स्नो, तो मतलब इट वॉज नॉट। हाँ, जूते गीले हुए, आई वुड से कि बेटर, क्योंकि हम बीच में स्लिप नहीं हो रहा था, बट आई थिंक वो गमबूट्स में भी स्लिप करते हैं, करते ही ना बूट में भी करते ही। हाँ, थोड़ा थोड़ा स्लिपरी लग रहा था, बट इतना जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि गंडोला में क्या है ना, यहाँ पे फेस टू में क्या सॉफ्ट वाले आपको यहाँ पे स्नो मिलेंगे, तो पैर आराम से धस धस के जा रहा था, तो आपका स्लिपरी ज्यादा नहीं होगा, तो आप बूट भी पहनो या ये भी पहनो दोनों चल जाएगा। बट अगर जो पानी से खराब नहीं होगा, अच्छी वाली पानी लग जाता है, सोनमर्ग में हमने बूट लिया था बिकॉज वहाँ कीचड़ था, बट यहाँ आई गेस विदाउट बूट भी चल जाएगा, बट हमें कम टाइम लेना था इसलिए हमने बूट अवॉइड किया, बट आई थिंक आप लोग ले ही लो, 100 रुपए में मिलते हैं, ले सकते हो, फोटोज वगैरह अच्छी आएंगे। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस गंडोला राइड व्लॉग, अब पहुंच रहे हम, अब बस आई हैव टू क्लोज दिस। आई होप आपको ये पूरा व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड मजा आया होगा देखने में। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना रिगार्डिंग दिस गंडोला ट्रिप, फेज वन फेज टू, कुछ भी एनीथिंग रिगार्डिंग दैट, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप सारे आंसर करूंगी आप लोगों को। एंड या दैट्स ऑल अबाउट दिस व्लॉग यू गाइज, आई होप यू लाइक इट, लाइक बटन क्लिक कर देना।